कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने खेतों में तैयार हो रही फसलों का जायजा लिया। आपको बता दें कि जल्द ही गेहूं की ये फसल कटाई के बाद मंडियों में पहुंचेगी और किसान को सरकार की नीतियों के तहत भरपूर लाभ मिलेगा। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस बार बंपर पैदावार को लेकर मंडियों में भी सरकार द्वारा जोरों शोरों से वैसी ही तैयारी की जाएगी। मूलचंद शर्मा ने ऑर्गेनिक तरीके से गोबर की खाद से तैयार की जा रही फसलों को देखते हुए किसानों की तारीफ की। साथ ही सोलर पैनल से चलने वाले पानी के ट्यूबवेल का भी जायजा लिया। मैंने आज के ग्राम का दौरा किया है कि गेहूं की फसल आने वाली है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो कटाई लामनी चालू है और जो भी क्या है कि किसानों की कोई समस्या हो, किसानों की मंडी हो, उस सबके और बम्पर फसल आने वाली है। जिस तरह के बम्पर सर्दी रही है, जिस तरह का मौसम रहा है और बम्पर फसल के साथ हम बम्पर क्यारी के साथ किसानों की जो गेहूं की समस्या है या कोई दूसरी समस्या है उस सब को लेकर आज हमने दौरा किया है कि जो फसल है निरोगी है और बहुत बढ़िया फसल हमारे शहर की आने वाली है और इसी तरह से पूरे हरियाणा में बम्पर फसल आएगी। तो इसके लिए पूरी क्यारी जो भी समस्या है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी तैयारी को लेकर हम पूरी तरह सरकार मुस्तैद है। एक चीज़ और भी देखने में आई है कि ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग कर किया है, बहुत ही अच्छी फसल भी पैदावारी आपने देखी है, तो लोगों ने जो किसान है वो आजकल ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। नहीं, दो तीन फार्म हाउस में गए जहाँ ऑर्गेनिक खेती करते हैं लोग, जहाँ ना दवाई लगाते हैं ना कोई यूरिया DAP लगाते हैं, वो खाद की खेती करते हैं और बढ़िया भाव पर बेचते हैं। और जो ऑर्गेनिक खेती है उसकी फसल भी हमने देखी बढ़िया फसल है। तो मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा करें कि इससे क्या है कि सेहत के लिए ठीक है, इससे जो कीमत भी ठीक मिलने वाली है और लोगों को स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा। दरअसल कैबिनेट मंत्री अपने गांव सतपुरा जाते वक्त किसानों के फार्म हाउस पर रुके और खेत खलिहानों का दौरा किया। साथ ही मूलचंद शर्मा ने ऑर्गेनिक फसलों की पैदावार को लेकर किसानों की जमकर तारीफ की। पंजाब के CTV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।